हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारे एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया है कि हमें अपनी जो फूड होती है, अपनी जो डाइट होती है, उसमें वेरिएशन क्यों रखना चाहिए? हमेशा एक ही तरह का खाना क्यों नहीं खाना चाहिए? अलग अलग वेराइटी के फूड क्यों खाना चाहिए? तो ये बात सही है कि हमें एक ही तरह का खाना नहीं खाना चाहिए। हम खाना हमेशा जो हम फूड मटेरियल लेते हैं वो इस बेस पर लेते हैं कि हमें क्या फूड मटेरियल पसंद है, क्या हमें टेस्टी लगता है। हम जो फूड मटेरियल लेते हैं हमेशा हम उसका बेस यही रहता है, लेकिन ये बेस नहीं होना चाहिए हमारे फूड लेने का। हमारे फूड लेने का ये बेस होना चाहिए कि हमारे लिए क्या न्यूट्रिएंट है, किस चीज़ के हमें कितनी नीड है, उसके अकॉर्डिंग हमें फूड मटेरियल लेना चाहिए, ना कि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। हम लोग करते यही हैं कि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग फूड मटेरियल लेते हैं। जो चीज़ हमें पसंद होती है वो चीज़ हम ज़्यादा खाते हैं, जो ज़्यादा पसंद होती है वो ज़्यादा खाते हैं, जो नहीं पसंद होती है हम बिल्कुल नहीं खाते हैं। ये हमारा आमतौर से तरीका होता है फूड मटेरियल लेने का, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। फूड मटेरियल इस तरह से लेना चाहिए, अलग अलग, जो आपने कहा कि वेरिएशन होना चाहिए, हाँ वेरिएशन होना चाहिए, हमेशा एक तरह का फूड मटेरियल नहीं लेना चाहिए। वेरिएशन होने से ये होता है कि हमें हर तरह के जो विटामिन्स है और मिनरल्स हैं ये सब मिल जाते हैं। अदरवाइज जब हम एक ही तरह का फूड मटेरियल लेते हैं तो बहुत सारे विटामिन्स की कमी हो सकती है हमारे अंदर, बहुत सारे मिनरल्स की कमी हो सकती है। जो हम ले रहे हैं, जिस तरह की फूड मटेरियल, जो डाइट हम ले रहे हैं बार बार, अब वो तो हमें मिल जाएगा और उसमें जो कुछ एक्सेस अमाउंट में होगा वो हमारी बॉडी से निकल जाएगा। लेकिन जिस जो फूड उस फूड मटेरियल में जिस न्यूट्रिशन की, जिस न्यूट्रल मटेरियल की कमी है, वो हमारी बॉडी को नहीं मिलेगा। और जब वो न्यूट्रल मटेरियल, वो विटामिन, वो मिनरल हमारी बॉडी को नहीं मिलेगा, तो फिर हमारी बॉडी में उस विटामिन या उस मिनरल से, उस मिनरल की कमी से या उस विटामिन की कमी से जो डिजीज़ होती हैं वो डिजीज़ हो जाएंगी, जिसको कि हम आमतौर से डिफिशेंसी डिजीज़ कहते हैं, मतलब कमी वाली डिजीज़, कि किसी ख़ास न्यूट्रिएंट मटेरियल की कमी से जो डिजीज़ होती है वो डिजीज़ हमें हो जाएगी। तो इसीलिए हमें फूड मटेरियल हमेशा जो वैरायटी वाले लेना चाहिए, उसको चेंज करते रहना चाहिए, ख़ास करके जब जिस चीज़ का सीज़न हो, जिस चीज़ का मौसम हो, उस मौसम में जो वेजिटेबल्स, जो फ्रूट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं उसको हमें ज़रूर खाना चाहिए। इससे ये होता है कि हमारी बॉडी में डिफिशेंसी डिजीज़ होने के चांस नहीं रहते हैं, हमारी बॉडी में न्यूट्रल मटेरियल की कमी होने के चांस नहीं रहते हैं। लेकिन इसके उलट अगर हम एक ही तरह की डाइट हमेशा लें, जो डाइट हमें पसंद है, जो फूड मटेरियल हमें पसंद है, सिर्फ हम वही लेते रहें और बाकी हम उसके अलावा दूसरी डाइट न लें, तो फिर हमारी बॉडी में बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होने के चांस रहते हैं। क्योंकि ऐसे फूड मटेरियल नहीं होते कि जिस फूड मटेरियल में सब कुछ हो। एक मिल्क होता है जिसमें बहुत कुछ हमें मिल जाता है, लेकिन जो फूड मटेरियल आमतौर से हम लेते हैं, जो आमतौर से हम डाइट लेते हैं, उसमें कोई डाइट ऐसी नहीं होती कि जो डाइट ऐसी है जिसमें सारा कुछ मिल जाए, उसके अलावा हमें कुछ खाने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम कुछ भी खाते हैं तो उसमें वैरायटी होना चाहिए, उसको अपने जो सीज़न होता है, जो मौसम होता है, उसके अकॉर्डिंग जो नए सब्जियां आती हैं उससे उसको रिप्लेस करते रहना चाहिए, उसको चेंज करते रहना चाहिए। तो इससे ये होगा कि हमारे अंदर डिफिशेंसी डिजीज़ नहीं होगी। तो जो आपका क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि हमें अपने फूड में वेरिएशन रखना चाहिए, तो ऐसा इसीलिए कहा जाता है ताकि हमें किसी भी विटामिन से, किसी भी मिनरल या किसी भी न्यूट्रल मटेरियल की कमी ना हो हमारी बॉडी को, और हमारी बॉडी को सफिशियंट अमाउंट में जो न्यूट्रल मटेरियल की ज़रूरत है वो मिलती रहे। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है, कोई और क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।